हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पंडित। तो राउंड टू हेल का एक और प्रोजेक्ट मिल गया है नेटफ्लिक्स की तरफ से। yes, और ये है बने देसी हार्ट के एजेंट, हार्ट ऑफ स्टोन। यस, तो राउंड टू हेल का नया वीडियो है एंड हम सुपर एक्साइटेड है एज यूजुअल। जब भी इनका नया वीडियो कोई अपलोड होता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड सोचते हैं कि अभी एक और रिमार्केबल काइंड ऑफ वीडियो, रिमार्केबल एक्टिंग देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था इन लोगों का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो मे बी उनके अपने चैनल पे नहीं बट नेटफ्लिक्स पे आ गया है, तो चलो ये देखते हैं, ये देखते मजा लेते हैं। हमारा काम ही है मजा लेने का। और बहुत अच्छी एक बात है कि ये वीडियो जो हार्ट ऑफ स्टोन है ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु में उपलब्ध है नेटफ्लिक्स में, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं जो जिनको हिंदी समझ में नहीं आता। बट राउंड टू हेल का नाम बहुत सुने हैं साउथ के हमारे जो भी दोस्त लोग हैं, वो तेलुगु एंड तमिल में तो देख ही सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं राउंड टू हेल का ये नया वीडियो कैसा रहता है, उसके बाद बात करेंगे ढेर सारा, हमारा रिएक्शन आप लोग के साथ शेयर करेंगे एज यूजुअल। बट उससे पहले फॉलो दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। अरे किसी का भाई किसी की जान। क्या हो गया रहा ये? अरे फीमेल कैरेक्टर की है, नेटफ्लिक्स आया तो आ गया। कौन है ये, कौन है? कोई फॉरेनर लग रही है। गुजे सिर्फ गुजे सिर्फ। अरे मेरी जान, मुझे तो ये बता लो सब टाइटल के साथ पैदा होते हैं क्या? इतने एक घंटे से देख रहा हूँ तुझे, एक ही सवाल पूछे जा रही है, कैट से फैन से। अरे वो पूछना जो तेरे वतन के लोग हमेशा पूछते हैं कि अच्छा ढाबा कहाँ है, घूमने की जगह कौन सी अच्छी है, क्लब कौन सा बढ़िया है, ये पूछ मुझसे। I said, where is the heart? ये आएगा? गया। फिर से गया, फिर से उठेगा, फिर से सेम क्वेश्चन। साला पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि तुम जैसे सड़ुओं के साथ मुझे आज मिशन पे आना पड़ता है। अबे सालो, तुम्हें पता नहीं एक घंटे से वो मुझे धोबी की तरह धो रहा है, तुम कहाँ मर रहे हो? अबे कितना रोता है भाई तू। अबे इससे ज्यादा कहीं मैकेनिकल्स में कुटे हैं, अपन 4 साल सीनियर से और साले आज तक मैं तो हिंदी सीट पे बैठ नहीं पाता। अरे भाई ऐसी ऐसी जगह घुसेंट मारे ना, पूरी जिंदगी अस्पताल में कटोरा लेके मोचन करना पड़ेगा। अरे तू फिक्र मत कर वसीम, अपना हार्ट सॉफ्टवेयर बता रहा है कि तेरे हार्ट में ना अभी बहुत जान बाकी है। तेरी ये जान हम बचा कर ही रहेंगे। भाई सक्सेस रेट कितना बता रहा है? सक्सेस रेट जो है वसीम, 99% है वसीम, देखा? झूठ बोल दिया। अबे टेंशन मत ले, आज ना दुआई निकाल देंगे। आजा मेरे एस ऑफिस पे, रेडी है? अफर्मेटिव। Yes, I'm ready, agent. Jack of clubs. Oof, Jack of clubs. Okay, मैं तुझे कुछ send करने वाला हूँ, उसको जरा देख ले। Charter control. Coming. अबे कहाँ चला गया था भाई? Going ban. तक तू मेरी लानू है इसकी charter border. Oh God. Ban में हो? Ban में यूँ चेत क्यों रहा है? अरे क्या हुआ? अबे यार तुम लोग कर क्या रहे हो? Rescue भेजोगे या नहीं? सुनो, मुझे लग रहा है कि भूकंप आया है, लेकिन हार्ट बता रहा है कि घाटी के पश्चिमी तरफ एक शॉर्टकट है, अगर वहां से जाओगे एजेंट एस ऑफ स्पेड्स तो तुम 90 सेकंड में पहुंच जाओगे, और वहां से जाने के बाद सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाएगा। और वहां से निकलने के लिए मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भी बुक कर दी है। और वहां तो खाई है ना? अरे तो ऑफिस वाले पैराशूट क्यों देते हैं? ओफो, पैराशूट ट्रेवल बजट में से ऐसी कॉस्ट काट लेती है तेरी कंपनी। और तू पैराशूट की बात कर रही है? फिलहाल कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है। डर लग रहा है? फट तो बहुत बुरी रही है। तो रहने दे फिर। नहीं,
क्या आया है, ये अजाब क्या है? ओ नो, भैया क्या हाल है? बढ़िया हाल है भैया, दे दोगे? क्या लोगे भैया? लुंगी से पैरासूट बनाया क्या? ओह माय गॉड, जेम्स बॉन्ड। मेरे बेटे, आज गांव में शांति बहुत है। आज तो शांति बहुत है। हार्ट चार्टर कंट्रोल, मैं सेफली लैंड कर चुका हूँ। तू जिंदा है? हाँ हूँ। तो बैकअप लाया साथ? बैकअप? भाई दून की ब्रांच में सब सारे 5 लोग हैं, जिनमें से 3 तो एजेंट ही है, चौथा अकाउंट्स और 5वीं एचआर। और उससे अगर थोड़ी सी कारतूस मांग लो ना, ऐसे करती है जैसे उससे उसका फेफड़ा मांग लिया हो कि फॉर्म भरो, अप्रूवल का वेट करो। अकेला आया हूँ। चल फिर आजा भाई। ये मेरे कद्दू का हार्ट कंट्रोलर है, अब ये बता तेरी लोकेशन पे किस तरह से पहुंचूं? तू टेंशन मत ले भाई, कोई तो जुगाड़ मिल ही जाएगा। हाँ कोई तो जुगाड़ मिलेगा। रशियन है? इतनी जल्दी मिल भी गया जुगाड़? भाई बुक कर ले। अबे असली वो नहीं, लोकेशन पे पहुंचेगा जुगाड़। ओह माय गॉड, एस्केप एनके, मैं भाग रहा हूं। इवेंट फॉरगेट द रेस्ट। बॉबी गेम पार्लर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे लिए कार भी बुक है ना। अरे कुछ महंगी वाली वो करी होगी। उनमें से कौन सी हो सकती है? कौन सी होगी? गुलाबी वाली होगी। फाइनली फर्राटा भरने को तैयार हो जाएगा क्या? रिक्शा शायद। अरे भाई पता ना कौन सी है भाई, रेस पे पैर देते ही कुछ भाग रही होगी। अरे भाई पता ना यार, प्लीज कौन सी गाड़ी है भाई, प्लीज पता ना यार। रिक्शा है, रिक्शा। रिक्शा ही बोले ब्रो, आदमी भीख मांग ले पर इसमें ज्वाइन ना कर। हाँ यार बात तो तू सही कह रही है। साइबर कैफे में बैठा हुआ। लोकेशन मेरे सामने है गाइस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? तो पहले इसके ब्रेक लगा दे। ब्रेक पे फिट ब्रेक। ब्रेक लगा देना भाई। हाँ भाई लगा दिए ब्रेक। अब क्या इसकी पार्किंग की पर्ची कटवा के लाऊं मैं? अबे तुम्हारी ब्रेक की बात पे ब्रेक लग गए हो तो मुझे ये बता दो कौन सी प्रॉब्लम हो गई है। अबे ये हार्ट के पीछे सिर्फ रशियन सी नहीं, एक बहुत बड़ी पार्टी भी लग हुई है। चार्टर आई एम इन। और कौन लेना चाहता है? रुक मैं तुझे पिक सेंड करता हूँ देगी से। भाई तू बैन सी ऑपरेट कर रहा है ना? हाँ हाँ बैन के अंदर ही हूँ, अपनी कंपनी दिल खोल के खर्चा कर रही है। भाई साहब ये मेरी सैटिक का अकाउंट है, हैक कर दोगे क्या? तुझे मैं हैकर दिख रहा हूँ? हाँ। सुन मैं तुझे फोटो सेंड कर रहा हूँ, उसे देख इसे पहचानता है क्या तू? अबे ये तो वही वाली है ना जिसका जिक्र स्टोन साइबर ने किया था, एजेंट। एजेंट किया? ये कौन है बे? हैकर लगती है और काम में भी काफी खतरनाक होगी, है ना?
करेक्ट प्रोफाइल में लिखा है मिलिट्री डेटा छीनती है एआई स्पेशलिस्ट है कई साल फाइल ध्वस्त कर चुकी है अभी किसी बड़े मिशन से अमेरिका गई है और हार्ट कह रहा है कि ये उसका अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मिशन होने वाला है भाई ये छल्ला ही फाड़ देगी ये लड़की तो अबे यार हमें ऐसे असाइनमेंट क्यों नहीं मिलते बेटे जैसी तुम्हारी सूरत है ना उस पर तो तुम्हें वीजा भी ना मिलेगा भाई ये रशियन से तो तू बच जाएगा लेकिन ये मैडम अपना हार्ट छीन कर रहेगी अबे तो बाबले बताना अंदर कितने लोग हैं मुझे एक मिनट में चेक करता हूँ पड़ी मैया क्या हुआ 20 गार्ड्स हैं 20 कुत्ते उत्ते तो ना है अबे सुतरी के कुत्तों बुत्तों का छोड़ ये देखे 20 गार्ड्स का टैट हुआ कैसे दबाएगा और एक रशियन भी है सुन मैंने ना हार्ट को एक्टिवेट करके एक असिस्टेंट मंगाई है और हमारा वहाँ पे एक एजेंट भी आने वाला है जो तुझे नाइट विजन गोवन कारतूस और चाकू और कुछ कम्युनिकेशन एक्वायर करना तूफान मचा दे और हमारे दोस्त को घर लाए बिना वापस मत आना डन बॉस एजेंट दुग्गी माल लायो क्या बेटू का फोन बादशाह वाला चश्मा गया यार वीर ये गन चलाते चलाते बोर हो गया अब सोच रहा हूँ सीधे बम से उड़ा अबे यार तूने मेरी मुंह की बात छीन ली मैं भी एक चार लोगों ग्रुप बम से उड़ाना चाहता हूँ तेरे घंटा पूरा हो गया भैया हटा यहाँ से अटैक कर दिया हटा यहाँ से लो एक घंटे का और 30 रुपए लूंगा सीधे 50 लूंगा एक घंटे के 30 रुपए 50 रुपए देने हैं तो वरना गिराज बहुत कड़ा है हटा यहाँ से हटा ले मर जा मैं तो कर रही है इस पर तेरे अब्बा का पलीमा देख रही हूँ अपना काम कर कोशिश कर रहा हूँ यार दिल्ली की टीम से बात हुई थी कहने लगे लॉन्ग वीकेंड है पहले मसूरी मचाएंगे फिर ये ऑफिस में पैर रखेंगे चंडीगढ़ नहीं आ सकते यार एजेंट्स की थार खराब है और शिमला पहाड़ी इलाकों में तो सिर्फ हम लोग हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था खुद ही लड़ाई करो क्या हो गया चार्टर कंट्रोल मैया पूरा सिस्टम भोग दिया थोड़ा सा ही तो धुआं निकला ऊपर थोड़ा सा धुआं निकला है बढ़िया अबे तुझे ये 20 रुपए का नुकसान दिख रहा है ये भाईजान स्टार्टर कंट्रोल ये सही था भाईजान वाला सेफ हाउस हेलो स्टार्टर क्या हुआ अरे वो हार्ट की वजह से पूरा सिस्टम ही भोग गया तो आप सब खत्म समझू नहीं तो टेंशन मत ले मैं आ रहा हूँ
नहीं यहाँ पर बहुत लोग हैं। अब मौत मैं हूँ उनकी, रोला काट दूंगा। जा रही है ты лошадь, свинья, дурак, идиот, придурок, охренел. I love you too. बहुत प्यार है मुझे तुमसे। मॉस्को आऊंगा मैं, मेरी लंबर्गिनी खड़ी है वहां ब्रेक पे नीचे, और उससे नहीं आऊंगा मैं, प्लेन से आऊंगा, जाना जरूरी है। Иди к чёрту. ठीक है जाओ। हेलो हेलो, अरे क्या हो रहा है उधर, कोई कुछ बताएगा? हेलो हेलो, अरे कोई जिंदा है? कौन आया है उधर, कुछ बताओ? हेलो एजेंट एस ऑफ स्पेड्स, हेलो किंग्स ऑफ हार्ट, हेलो चार्टर कंट्रोल। हाँ हाँ बोलो। एजेंट किंग ऑफ हार्ट इज मिसिंग। क्या एजेंट यहाँ नहीं? कहाँ गया? हेलो एजेंट, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एजेंट तुम्हें यहाँ से कौन ले गया? अरे वही। वही कौन? अरे जो हमसे हमारा हार्ट लेना चाहती थी। मुझे हार्ट दे दो। क्या लिखा था? इतना फास्ट मार रही है, लेकिन हार्ट मांग रही थी। नहीं तो इसका कुछ करेगी। Hey guys! Guys, well, लगता है हार्ट को वापस लाना हमारे बस की बात नहीं है, पर एजेंट स्टोन इसको हमारे पास वापस ला कर ही रहेगी। और अगर आपको भी हमारी तरह स्पाई एक्शन एंड एडवेंचर पसंद है तो देखना ना भूलिए हार्ट ऑफ स्टोन, हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ, और इसमें स्टंट भी है और फाइट सीन से भरपूर गैल गलोड है, आलिया भट्ट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो देखिए जाकर। ओके सो ये नेटफ्लिक्स पे है ये पूरा सीरीज। यस, इसका मतलब अभी तो फर्स्ट पार्ट ही है इसका, बैक टू बैक पार्ट आएगा बिकॉज़ आलिया भट्ट का अपीयरेंस आएगा। एग्जैक्टली लग रहा है। क्या शानदार एक्टर है यार, मतलब सीरियस बड़े लोग राइट। सीरियसली मैं मतलब इतना मुझे खुशी मिलती है दिल से कि ये लोगों का काम इतना बेहतरीन है, इतना ज्यादा वो लोग टैलेंटेड है कि अपने आप को प्रूव कर दिए। इतने मिलियंस मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लोगों का इतना ज़्यादा ढेर सारा प्यार है, और ऊपर से अभी एक बड़ी जो यू नो एक्ट्रेस है इंडिया की, उसके साथ ही भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो जल्दी मुझे लग रहा है ये लोग बॉलीवुड में भी आ जाएंगे जल्दी। लेवल पे ये लोग पहुंच गए। और आई थिंक नेटफ्लिक्स हुआ या फिर अमेज़न वगैरह, ये सब हॉटस्टार हुआ, ये सब प्लेटफॉर्म पे नहीं, लोगों का ये रहता है ना, सपना रहता है लोगों का। अभी तो डिजिटल दुनिया है, अभी सब चीज चेंज हो गए, लोगों का नजर Exactly. अगर तुम देखोगे ना तो हाँ। जितना मूवीज वगैरह पे मतलब जितना अच्छा लगता है उससे कहीं ज्यादा बेटर वेब सीरीज है और बनते हैं राइट। तो अगर वेब सीरीज आपको अगर पसंद है तो आप चाहोगे कि इनको ये सब प्लेटफॉर्म पे हम देखें तो बहुत मजा आएगा। अगर वेब सीरीज इसमें और ज्यादा जुड़ते हैं राइट, बिकॉज इसी से इनका पहचान बना है, मतलब हमारे यू नो ये जो छोटा स्क्रीन है लैपटॉप के थ्रू ही हम जानते हैं, फोन के थ्रू हम जानते हैं, लाइक फ्रॉम द यूट्यूब। एंड अभी अगर नेटफ्लिक्स में छा रहे
अमेजन प्राइम में छाएंगे, जी स्टूडियोज में छाएंगे, सब जगह पे जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें छाएंगे तो और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। हाँ, वो तो राइट है। अभी साथ बड़े बड़े सब कलाकार ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही उनका मूवीज आते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में थोड़ा क्या बोलते हैं बहुत चेंज हो गया है। लोगों को थोड़ा कभी कभी फील होता है कि यार कौन जगह थिएटर घर बैठे जहाँ घर ऑफिस जहाँ भी हो वहाँ बैठ करके आराम से हम देख ले रहे हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं एक तरीके से लोगों का थोड़ा अपना ये टाइम भी सेव हो जाता है और लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार जब तब थोड़ा थोड़ा करके देख ले, लेकिन वही एक बड़े स्क्रीन में भी देखने का अलग ही मजा है। मजा है तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका इंतजार रहेगा। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है बाय द वे, इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर पूरा विजन था एंड सुपर्ब द स्टोरी लाइन आल्सो। बट सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट जगा दिया है, हमें पूरा देखना है, पूरा देखना है। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ना? यस करेक्ट, नेटफ्लिक्स। ओके वॉच नाउ बोल रहा है तो देखना है, अवेलेबल है एंड आप भी देखो एंड हम भी देखेंगे जरूर। बहुत अच्छा लगा गाइस, 10/10 उन लोगों का परफॉर्मेंस, उन लोगों का एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है, नो डाउट। तो स्टोरी लाइन भी बहुत जबरदस्त था। तो यस ये रहा हमारा रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।